मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर जी जो संबोधित करेंगे उनके साथ है। इस प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, प्यार सिंह कंवर जी, राजीव पंडे जी, सुनील धर जी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा सीधा श्री जयराम ठाकुर जी से कि अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, आज सबसे बड़े लोकतंत्र में पचास वर्ष पुरानी घटना को याद किया जा रहा है, जब एमरजेंसी और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारी नई जनरेशन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार की भी घटना हुई है उसको स्मरण करवाने के लिए आज कार्यक्रम है। और उसी के अंतर्गत आज शिमला में भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, सभी जिला मुख्यालय में हमारे कार्यक्रम हुए थे। आपातकाल के विरोध में जिस प्रकार से उस वक्त यातनाएं दी गई थी, लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। रात को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था कि रात को ही आज ही आपातकाल की घोषणा हो जाए, और उन्हें दबाव में आकर के वो की भी मंत्रिमंडल की बैठक दूसरे दिन की। उन सारी डिटेल में मैं समझता हूं कि जाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक दौर सब लोगों को याद है, जब इंदिरा गांधी का चुनाव जो है अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, और 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। इस संदर्भ में जब उनको लगा कि कुर्सी हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है और कोई रास्ता नहीं सत्ता में रहने का, तो देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और उस दौर को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मीडिया कंप्लीट जो है वो सेंसर होकर के होता था, या तो बंद ही था या कोई छपता था, तो उसका एक एक अक्षर जो है सरकारी अधिकारी जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के होते थे वो तय करते थे कि ये कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं। कुछ अखबारों ने उस वक्त यहां तक के सिर्फ अपना अखबार का नाम छाप करके कॉपियां वितरित की, क्योंकि लिखने की इजाजत नहीं सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसी सारी चीज का देश जो है वो विरोध करेगा, और लोगों की ताकत जनमत के रूप में जो जब 1977 में चुनाव हुआ तो परिणाम ये हुआ, कांग्रेस पूरे देश भर में चुनाव हार गई, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गए और संजय गांधी भी चुनाव हार गए, और वहां हमारे आज के इस कार्यक्रम में इन बातों का हमने जहां जिक्र किया, वहां हम प्रमुख रूप से इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव, तो वही कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई देते कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा अगर 400 पार हो। और इसलिए इस तरह के दहशत का माहौल पूरे देश भर में खड़ा करने की कोशिश की कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आजाद भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी आज एनडीए की सरकार है बहुमत के साथ और सरकार चल रही है। लेकिन यह भी मैं देख रहा हूं कि
देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा जब लोकसभा के चुनाव से स्पीकर का चुनाव जो आज तक सर्वसम्मति से होता रहा, चाहे सरकारें बहुमत की रही किसी दल की या गठबंधन की सरकार, लेकिन पहली बार देश भर में विपक्ष की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट दिया गया है। इससे बड़ा लोकतंत्र मैं समझता हूं कि क्या हो सकता है। और बहुत विचित्र लग रहा, मैं पिछले कल देख रहा था जब 70 चुनाव के बाद पहली बार समन किया गया, बुलाया गया, तो विधानसभा लोकसभा के सत्र में विपक्ष के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर के चले। आप ही थे जिन्होंने संविधान को तहस नहस किया, आप ही तो थे जो आपातकाल लगा करके आप लोगों ने संविधान के एक नहीं अनेकों चीजें उसमें बदल दी। इन सारी बातों का जिक्र मुझे लगता है कि आज के इस दौर का होना यह बहुत आवश्यक है। इसलिए 50 वर्ष बीतने के बाद भी देश उस आपातकाल को कभी ना भूले जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने 356 का इस्तेमाल 90 बार इस देश में 1947 के बाद किया, आप कल्पना कर सकते हैं 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की गठबंधन की सरकार पूरे देशभर में चल रही है, चर्चाएं बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसका 356 का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हालात इस तरह के पैदा किए गए। वेस्ट बंगाल में इस तरह के जो खुलेआम जो लोगों की हत्याओं का दौर अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, उसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी भी सरकार के खिलाफ इस तरह का कदम नहीं उठाया जो कांग्रेस ने 90 बार उठाया 356 का इस्तेमाल। तो ये इतिहास के हिस्से हैं। तो मैं आज के संदर्भ में सिर्फ प्रमुख रूप से तो इस विषय को लेकर के बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं उत्तर में और भी कहना चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कांग्रेस हारी है 68 में से 61 सीटों पर चुनाव, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की पूरी ताकत सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगी है, मुख्यमंत्री से कुछ नहीं कर रहे, एक ही काम कर रहे कि मेरी कुर्सी सलामत किस प्रकार से रही। एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो उनकी धर्मपत्नी को पार्टी का टिकट मिलता है। मैं भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, कोई भी टिकट उपचुनाव में मुख्यमंत्री के सहमति के बिना नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल नहीं होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हालात किस प्रकार से बन गए हिमाचल प्रदेश में पिछले 16-17 महीने की सरकार में 300 से ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में हो गई। पिछले 15-16 महीने के इसमें कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में लगभग जो हत्याओं का मामला 150 तक पहुंच गया। और ऊपर से मैं इस बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं, हाल ही में जो घटना जो हम सुनते थे कभी यूपी में होती थी, कभी बिहार में होती थी, कभी दूसरे प्रदेशों में होती थी, कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे जो है वो गोली चला देते हैं और एक आदमी उसमें घायल हो जाता है। और जो गोली चलाने वाला जो लोग जहां पर बुलाए गए थे वो
जो भाड़े पर लाए गए थे, पैसा दे करके लाए थे, उनको लाने वाला पूरा विधायक का बेटा जो एब्सकॉन्डिंग है, यह आरोप उन पर है। लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी की है, पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है और वो विधायक की पूरा विधायक की गिरफ्तारी नहीं की गई और उनके बेटे को छुपने की जो है खुली छूट दे दी गई है। ये कार्यवाही अगर सुनिश्चित नहीं हुई तो आपको कहूं पूरे प्रदेश भर में बहुत माहौल खराब होगा, वातावरण खराब होगा, कानून व्यवस्था के नाम पर जो है जिस प्रकार से धज्जियां उड़ गई सरकार में, यह आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। बच्चा बच्चा आज रात को हम बिलासपुर में गए, बच्चा बच्चा बोल रहा है। कि चिट्ठे का पूरा धंधा इनके सल्तनत में चलता और चिट्ठे कि अगर बात कहूं मैं पूरे प्रदेश भर में जो हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान तो उस तरफ है ही नहीं, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, नशे की जो सारा ये दौर चल रहा है, चिट्टे का जो दौर चल रहा है इसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाए, ये तो प्राथमिकता है ही नहीं। और प्राथमिकता होगी भी कैसे जब इनके नेता ही उसमें संलिप्त, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक जो है कह रहे हैं कि हम सबूत तलाश रहे, कार्यवाही अभी तक हुई नहीं। इसका अर्थ यही है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा जो हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को सारी चीजों की जानकारी है लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तय किया है कि ये कानून व्यवस्था का मुद्दा ये लोगों तक ले जाने का हमने फैसला किया। इसके अतिरिक्त मैं यही कहूंगा कि अभी हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं और इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है, हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मित्रों मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, मुझे सिर्फ ये 2 संदर्भ में बात करने की मांग है। 9 देखिए ये कोई भी अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है कि विधानसभा के किसी सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त सिर्फ इस वजह से कर दिए कि वहां पर नारे लगाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, धज्जियां उड़ा दी है यहां पर नियमों की, व्यवस्थाओं की। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ऐसी कठपुतली बन गए मुख्यमंत्री के हाथों, जो प्रलोभन उनको पदों के दिए गए हैं, क्या बात किस बात के दिए गए मुझे मालूम नहीं, और जिनकी भाषा इस प्रकार से हो गई कि खुलेआम वो बोल रहे हैं अपने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए 6 के सिर कलम कर दिए मैंने और 3 आरे के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये भाषा विधानसभा के अध्यक्ष इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। और विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूं, वो योग्य होंगे लेकिन अपनी योग्यता का प्रदर्शन जिस प्रकार से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है हमेशा के लिए ये दाग उनके जो है इस पर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। जब एक निष्पक्ष अध्यक्ष के नाते आपको सारी चीजों पर फैसले करने थे, वो फैसले आपने नहीं किए, आप कठपुतली बनकर सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचते रहे। मैं पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन विवश होकर कर रहा हूं, ये करना आज की तारीख में आवश्यक है। 3 निर्दलीय विधायकों के त्याग पत्र 3 महीने तक स्वीकृत नहीं होते हैं।
अब जब लोकसभा और जो चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले सूचित किए जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं दावत जो मर्जी करें सरकार को बचाने के लिए, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी मुझे लगता है बचेगी नहीं, हमारी वजह से नहीं, अपने जो कांग्रेस के नेता हैं जिस वजह से उनको पहले भी खतरा हुआ, ये खतरा आज भी कायम है। और जो आप पूछ रहे हैं विशेष तौर से जो नौ विधायकों को किसी को भी न निलंबित कर सकते हैं। अब जो कार्यवाही होनी थी वो एक बार हो गई, निलंबन हो गया 15 विधायकों का कर दिया था हमने विधानसभा से, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त करने की जो बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि अगर CPS के मामले में अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो हम इस फैसले से सरकार को बचाने का प्रयत्न करेंगे, जो कभी भी संभव नहीं होगा। देखिए आपको वेरी क्लियर कि भी फाइनेंस कमीशन जो है 16 वित्त आयोग जो आया था उनका डिफाइंड एजेंडा होता है। ये सारे विषय को लेकर के फाइनेंस कमीशन का कोई लेना नहीं, उनका तो यह है जो टैक्सेस इकट्ठा होते हैं उसका डेवल्यूशन जो है उसका वितरण राज्यों में किस तरह से करना है वो उनका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट होता है। मैं अपनी बातें कही भी प्रास्ती हुई, हमने भी तो कहा है, हमने तो सरकार ने जो बातें कही है हमने अपनी शब्दों में उन बातों का जिक्र किया है। मैं भी कल गया था उस बैठक में, हमने अपने ओर से हमने कहा है हिमाचल के लिए मदद होनी चाहिए, हमने ये बात कही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कम होने के कारण, क्योंकि पूरे देशभर के लिए फैसला लिया था वो कमीशन फाइनेंस कमीशन, उसके कारण हिमाचल प्रदेश को जो पैसा कम हो गया है और उस पैसे के कम होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो आर्थिक संकट और ज्यादा गंभीर हो गया है। और इसके अतिरिक्त हमने और कहा है कि स्पेशल ग्रांट हिमाचल प्रदेश को कुछ सेक्टर में मिलनी चाहिए थी, जैसे हमने कहा कि एयरपोर्ट के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश में मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ की रिकमेंडेशन की है फाइनेंस कमीशन ने, 15 फाइनेंस कमीशन ने 400 करोड़ रुपीज की कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए एक्सपेंशन के लिए रिकमेंडेशन की है, लेकिन ये तब तक लिए नहीं मिल पाएगा जब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट उस काम को शुरू नहीं करती, काम शुरू करेगी तो उसके बाद आगे का विषय होगा। लेकिन हमने कहा कि वो ग्रांट जो है इस तरह से हमको आगे भी आने वाले समय में जारी रखे, मतलब देने की कमिटमेंट करे कमीशन, रिकमेंडेशन करे और उसके साथ साथ में ताकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके, इन सारी बातों का जिक्र हुआ है। सर देहरा में भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को मना नहीं पा रही है, क्या कारण है? रविंदर रवि है वो भी साथ नहीं चल रहे हैं, प्रवेश ध्वाला है वो भी पार्टी से नाराज है। देखिए सब चले हैं साथ में, आपको नहीं मिले होंगे वो लोग, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सबके साथ पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व